250 करोड़ रुपए की अकूत संपत्ति रखने वाले अजमत अली कभी 1200 रुपए की नौकरी किया करते थे। अमीर बनने की चाहत में उन्होंने गिरोह बनाकर अवैध तरीके से संपत्तियां हथियानी शुरू कर दी। ये आरोप हैं उत्तर प्रदेश शासन के और लखनऊ पुलिस के। इसमें उनके पुत्र इकबाल भी शामिल थे। मरियाव थाने में अजमत अली पर पहला मुकदमा साल 2000 में दर्ज हुआ। मारपीट और SC ST एक्ट में यह मुकदमा दर्ज हुआ था। यूं तो पिता पुत्र के ऊपर करीब 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सपा सरकार में अजमत अली के पुत्र इकबाल अली राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं 10 साल बाद अजमत अली और उनके पुत्र पर हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज हुआ और वो मुकदमा भी मरियाव थाने में ही दर्ज हुआ था। कूटरचित दस्तावेज तैयार कर संपत्तियां बनाने और बलवा जैसे 8 केस पिता पुत्र के ऊपर भी दर्ज है। SCP अलीगंज अखिलेश सिंह के मुताबिक अजमत अली ने साल 1965 में कैरियर कॉन्वेंट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया। इसके बाद उन्होंने सरकारी रास्तों पर चक्रोड व सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अवैध कमाई से वर्ष 1998 और 2000 के बीच कैरियर कॉन्वेंट कॉलेज बनाया गया। साल 2007 में कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल की बिल्डिंग नेशनल हाईवे से मिलाकर बनानी शुरू की गई। अजमत अली ने सार्वजनिक स्थानों पर चक्रोड नवीन प्रति जमीन को ट्रस्ट में मिलाकर उन पर भी निर्माण करा दिया। आरोप है कि सारी संपत्ति दबंगाई और आपराधिक कारनामों से हासिल की गई है। SCP अलीगंज अखिलेश सिंह बताते हैं कि जब्त संपत्तियों को CMO, BSS, तहसीलदार व राजस्व अधिकारी और मरियाव प्रभारी निरीक्षक की निगरानी में रखा गया है। अजमत अली के अलग अलग बैंक खातों में करीबन 77 लाख रुपये जो जमा थे वो भी जब्त कर लिए गए। PNB घैला, एक्सिस बैंक, IIM रोड, SBI पांडेगंज, ICICI बैंक नादान महल रोड में अजमत इकबाल परिवारी जन ट्रस्ट के नाम से जमा करीबन 77,35,530 रुपए जब्त कर लिए गए। वहीं खुद और ट्रस्ट के नाम से खरीदी गई 10,91,00,000 और 15 लाख रुपए की लग्जरी गाड़ियां भी पशु समेत जब्त कर ली गई हैं। अजमत अली का ये डेंटल कैरियर कॉलेज और खाली डेंटल कॉलेज में तमाम सारे लोग नौकरी करते हैं और शासन अब इन लोगों का क्या करेगा और जो हॉस्पिटल में तमाम सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके करियर के साथ क्या कुछ होगा, ये बेहतर उत्तर प्रदेश सरकार निर्णय लेगी।